YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधार कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉ कैसे करेंगे, कैश निकासी कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों, भारत एटीएम न्यू अपडेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं ओपन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही दोस्तों इस प्रकार से खुलेगा। देखिए, यहाँ डैशबोर्ड खुल करके आ गया। तो आपको यहाँ कैश विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। जितना बैंक सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको डैशबोर्ड पे ना दिखे तो व्यू मोर पे क्लिक करना पड़ेगा। व्यू मोर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ बैंक सर्च कर लेना है। तो दोस्तों ये इलाहाबाद बैंक है, तो बैंक को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपसे यहाँ आधार नंबर मांगा जाएगा, तो आपको आधार नंबर डाल देना है। चलिए मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना, एक्सेप्ट करके फिर से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। क्लिक करते दोस्तों आपके फिंगर स्कैनर डिवाइस में लाइट जलेगा, तो आपको फिंगर लगा देना। चलिए मैं फिंगर लगवा लेता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों देखिए, प्रतीक्षा करना। देखिए क्या कैश विड्रॉ सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर देखिए अकाउंट बैलेंस 416 रुपया बचा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आधार नंबर के माध्यम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।